नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं खबरों की ओर। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट की जांच करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम पहुंची है। एनजीटी की टीम दो दिनों तक कोटा में रिवर फ्रंट की जांच करेगी। दरअसल केंद्रीय बोर्ड में शिकायत चंबल रिवर फ्रंट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में गड़ियाल अभ्यारण इलाके में नियम कायदे को ताक पर रखकर रिवर फ्रंट का निर्माण कराने का आरोप है और याचिका में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन की शिकायत की गई है। बीजेपी के पूर्व एमएलए प्रहलाद कुंचल ने रिवर फ्रंट को निर्माण पर्यावरण के मानकों के खिलाफ बताते हुए एनजीटी में याचिका दायर की थी। एनजीटी ने कमेटी 4 सदस्यों की जांच कमेटी गठित की है और कमेटी रिवर फ्रंट की जांच करने के बाद से एनजीटी को रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिवर फ्रंट राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1500 करोड़ की कीमत से बनाया था। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे साकिर अली, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। साकिर, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में जानकारी दीजिए, जो जांच पड़ताल चल रही थी और जो रिपोर्ट एनजीटी को सौंपनी थी उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी देखिए, टीम जो है कोटा पहुंच चुकी है और कोटा में वो आज जो चंबल रिवर फ्रंट का जो पश्चिमी एरिया है वहां पर से टीम आज जो है दाखिल हुई है। 4 सदस्य ये टीम है और ये टीम जो है जिस तरह की शिकायत दर्ज की गई है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्ट का जो है उल्लंघन हुआ है, नदी के एरिया में कमर्शियल गतिविधियां की जा रही है और ये रिवर फ्रंट जो है नियमों की अवहेलना करके तैयार किया गया है, इन तमाम चीजों पर जो है टीम भौतिक सत्यापन कर रही है। टीम में जो है पॉल्यूशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा जो है जल संसाधन विभाग के अभियंता जो है वो मौजूद हैं, इसके अलावा एडीएम सिटी जो है कोटा के वो हैं और साथ में नगर विकास न्यास के जो अधिकारी हैं वो टीम के साथ में मौके पर मौजूद है। जिस तरह की भी जो जानकारी टीम मांग रही है वो नगर विकास न्यास, क्योंकि नोडल एजेंसी है नगर विकास न्यास की ओर से ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और 1500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। चंबल नदी के दोनों किनारों पर 3-3 किलोमीटर एरिया में जो रिवर फ्रंट तैयार किया गया है उसको लेकर के याचिका जो है एनजीटी में लगाई गई थी और उसके बाद एनजीटी ने जो कमेटी गठित की है ये कमेटी जो है भौतिक सत्यापन करेगी। दो दिन आज भी ये कोटा में है और कल भी ये कोटा में रहेगी। दोनों जो सिरे हैं चंबल रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिम सिरा, उन दोनों जगहों पर वो कमेटी जो है पहुंच रही है। नदी का एरिया जो है उसमें कितना डेवलपमेंट किया गया है, नियम कायदे कितने जो है उसको फॉलो किया गया है, इन तमाम चीजों को की कमेटी जांच कर रही है और जो भी दस्तावेज वो चाह रहे हैं, जो भी जानकारी वो चाह रहे हैं उसको नगर विकास न्यास के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में है, वो उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये टीम जो है वापस जब लौटेगी तो एनजीटी में अपना पक्ष रखेगी, जो रिपोर्ट पेश करेगी उस पर निर्भर करेगा कि कोटा में जो रिवर फ्रंट स्थापित विकसित किया गया है उस रिवर फ्रंट में कई नियमों की अवहेलना हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ अधिनियम की जो के नियम है उसकी अवहेलना की गई है, नदी का जो क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब किया गया है, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही है, उसी के मद्देनजर ये याचिका दायर की गई है और उसी पर एनजीटी ने एक्शन लेते हुए टीम का गठन करके टीम को यहाँ पर भेजा है। तो अब पूरी टीम जो है वो आज जो है चंबल रिवर फ्रंट का जो पश्चिमी छोर है उस एरिया में जो है दाखिल हुई है, वहां पर वो तमाम जो निर्माण कार्य हुए हैं उन सभी को देख रही है और न्यास के अधिकारियों से उसका मौके पर ही सत्यापन भी करवा रही है और जो भी उनकी क्यूरी इसको लेकर के है वो तमाम चीजें जो है न्यास के अधिकारी उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। जी बिल्कुल आरफ, देखिए जानना ये भी चाहेंगे, हालांकि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है लेकिन बीजेपी के पूर्व एमएलए प्रहलाद गुर्जर ने भी रिवर फ्रंट के निर्माण को लेकर ये बात कही है कि पर्यावरण के मानकों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है और उसको लेकर याचिका भी दायर की गई है। कुल मिलाकर इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। जी जाहिर तौर पर क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में ये विपक्ष में जो है ये विपक्ष का जो है बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सामने चुनाव भी लड़ रहे हैं तो ऐसे में, और इस शांति धारीवाल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट है, 3 साल में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है जी। कोटा के साथ साथ अब आसपास के जो इलाके हैं वहां से और दूर दराज से भी लोग रिवर फ्रंट देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच एनजीटी ने जो एक्शन लिया है, एनजीटी ने जो कमेटी गठित करके पहुंचाई है वो अपनी जाँच कर रही है, लेकिन जिस तरह से क्योंकि ये 3 साल का वक्त इसमें लगा, 3 साल पहले भी ये शिकायत की जा सकती थी, 3 साल पहले भी जब काम शुरू हुआ था उस वक्त भी ये सब चीजें हो सकती थी, लेकिन अब चुनावी वक्त में जब इस तरह की बात हो रही है तो कांग्रेस इसको चुनावी
बता रही है कि चुनावी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और बीजेपी इसको जो है पूरी तरह से अवैध बता रही है कि इसमें नियमों की अवहेलना हुई है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।